रेड लाइट लच्छीपुर में झारखंड के ग्राहक से मारपीट कर रुपए छीनने का आरोप। आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र के न्यामतपुर फाड़ी अंतर्गत लक्ष्मीपुर रेड लाइट एरिया में ग्राहक को पीट कर रुपए छीनने का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि बार बार घटना सामने आ रही है, लेकिन कोई शिकायत न होने के कारण कार्रवाई नहीं हो रही है। दलाल नगद न रहने पर ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर करवाते हैं। ताज़ा मामला खबरों के मुताबिक झारखंड के पाकुड़ से दो युवक दिशा जन कल्याण केंद्र आए थे। वहां दिशा जन कल्याण केंद्र के कुछ दलाल लेकर आए थे। आरोप है कि दलालों ने उनसे मारपीट कर जबरदस्ती रुपए मांगे। नगद न रहने पर उनके खाते में 45,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए। दोनों युवकों ने बताया कि वे डांस देखने आए थे और उनसे अतिरिक्त बिल की मांग की गई और फिर उन्हें पीटा गया और अंत में दलालों ने मोबाइल फ़ोन छीन लिया और मोबाइल फ़ोन से पैसे उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। लक्ष्मीपुर दिशा जन कल्याण केंद्र यौन कर्मियों ने घटना को रोकने का अनुरोध किया है। यौन कर्मियों ने कहा कि अगर इस तरह की घटना होती है तो ग्राहकों की उम्मीद धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप यौन कर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। घटना की सूचना पाकुड़ से आकर दलालों का शिकार हुए युवकों ने न्यामतपुर फाड़ी को दी। अब देखना है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आरोप है कि इस तरह की घटनाएं यहां नियमित रूप से होती है। यही बात कि दलाल बंद हो जाए, मगर यहां पर कुछ दुकान वाला दलाल का ही सपोर्ट करता है। सिर्फ दलाल का दिक्कत नहीं है, या दलाल का दुकान वाला यहाँ सपोर्ट देता है तब ना दलाल घुसता है। दुकान वाला सपोर्ट नहीं करेगा, दलाल आएगा नहीं। क्या करता है? यहाँ पर ही लेके आता है रास्ता से पकड़ के, भैया चलिए 500 में डांस दिखाएंगे, 3-4 लड़की देंगे, 100 रुपया में बियर देंगे, 200 में दारू। पहले हो जाता है, बोलता भैया बिल नहीं है, बाद में पेमेंट कर दीजिएगा, घर जाके पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद सुबह तक रखता है, रखने के बाद क्या करता है, मार धार के सारा पैसा छीन लेता है। चेन अंगूठी घड़ी वगैरह मोबाइल वगैरह जो रहता है सब छीन लेता है, क्योंकि सबका तो दलाल का घर यहाँ नहीं है। कोई सीतारामपुर का है, कोई चप्पा का है, कोई पेट्रोल पंप का है। पुलिस का कोई एक्शन है? पुलिस जानता नहीं, पुलिस को जानकारी जब तक मिलता है तब तक तो सब भाग जाता है। बस सिर्फ दलाल बंद हो जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो हम लोग को खाने के लिए भी नहीं मिलेगा कुछ दिन बाद। ये कस्टमर लोग तो आता ही नहीं, बंद हो गया, बंद हो गया। हम लोग क्या करते, देखते हैं निमतला में बैठे हुए रहते हैं, यहाँ पर चाय बनाता है, कोई अति व्यवसाय करता है, इधर उधर ही जितना भी उधर, पहले उधर धांधली होता था, अभी कुछ दिन पहले कस्टमर को मार के तोड़ दिया गया था। क्या किया पुलिस एक्शन? आप लोग मांग क्या है? पुलिस आके लेके गया कुल्टी की पराकर में ले जाके भर्ती किया। दलाल नहीं आना चाहिए, अभी देखेंगे आप लोग भी क्या कीजिएगा। हम लोग आए थे सर यहाँ 12:30 पहुँचे, हम लोग को बोला कि यहाँ है, हम लोग पहले बात कर चुके थे तो बोला कि ठीक है यहाँ सब व्यवस्था है, चलिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पहले बोल दिए थे कि पैसा हम लोग के पास कैश नहीं, हम लोग फोन पे सुबह हम लोग कर देंगे, तो बोला ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आए तो सुबह वो लोग बोल रहा है कि 40 बिल हुआ। तो हम लोग बोला, हम लोग को सर जो हुआ दिखा दीजिए, हम लोग पैसा अपना पेमेंट कर देंगे। तो हम लोग बोला कि उसमें जो हुआ है तो बताइए क्या क्या बिल हुआ है। तो नहीं तो ज़्यादा बोलेगा तो 1,00,000 रुपया लगेगा। तब तक मैं हमको ठेल दिया, अब मेरा मोबाइल छीनने लगा, फ़ोन पे कीजिए आप ना तो आपको 1,00,000 रुपया लगेगा। अब बस उसी में तो हम बोले तो ठीक है, नहीं तब जो करना है बोलिए आप क्या करना है, हम यहीं रहते हैं। तो बता नहीं तब मारपीट करेंगे। तब बुलाया 3-4 लड़का, कौन कौन था सर वो तो नाम नहीं जानते हैं। उसमें वो लड़का सब पूरा मारपीट करने लगा, ये मेरा दोस्त है, इसका बियर का बोतल था उसके वहाँ रखा हुआ, इसके माथा में मारने लगा। तो हम जाके आगे पकड़े तो हमको बोलता तुम ज़्यादा बोलता है, तब इसको और मारने लगा सर। इसके बाद वो जबरदस्ती इसको करने लगा तो ये फोन दे दिया। इसके बाद वहाँ बोलता है फोन पे में हम जितना पैसा है 45,000 पहले लिया, इसके बाद बोलता नहीं और 5,000 दो, नहीं देगा तो 1,00,000 रुपया और देना पड़ेगा तुम लोग को, तब छोड़ेंगे ना तो थाना वाला को जाके बोलो, जो होगा हम देख लेंगे। लोग गए हुए थे सर, कंप्लेन किए, लेकिन सर लोग आए थे तो हम लोग को रूम नहीं पता था उतना एग्जैक्टली, तो अभी हम लोग को पता किए तो फिर हम लोग को पता चला तो ये। हाँ सर, हम लोग बस सर यही मारपीट ये सब खराब लगा है सर, और क्या, इतना दूर से चल के आए हैं सर, जो वाजिब हम लोग का बनता है वो पूरा करते हैं, बस उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। हम पाकुड़ से आए हुए हैं सर। क्या नाम है? मेरा नाम बलराम पंडित है सर। हम लोग आए रात के 12:30 सुमन को फोन करके आए थे, फिर हम लोग इसके काउंटर में आए, वो लेके आया रूम में, हम लोग 3 डांस देखे। डांस देखने के बाद वो बिल बोला 41,000 बिल हुआ, और हम बोले कैसे बिल हुआ इतना बिल,
तो बोल रहा है कि बेसी बोलेगा तो 1,00,000 बिल बनाएंगे। हम बोले जो वाजिब बिल है वही लीजिए। उसके बाद बिल नहीं मतलब ज़बरदस्ती मारपीट करने लगा, बिल कुछ हिसाब कुछ नहीं पर मारने लगा, पूरा मारपीट करके बियर के बोतल से माथा भी मारा। मारने वाला है उस मनीष, मुकेश ठाकुर, सुमन सिंह आपके साथ। उसके बाद जोर ज़बरदस्ती मेरा मोबाइल से फोनपे में मैंने पैसा ले लिया 45,000। और दोबारा मैं ट्राई कर रहा था और लेने का प्रयास कर रहा था लेकिन गया नहीं तो छोड़ दिया। हाँ, नज़दीक में पुलिस कंप्लेंट किए थाना में जाकर सुबह में। पुलिस बोला कि ठीक है छानबीन करते हैं, जा रहे हैं। आया पुलिस आए तो देखा लेकिन लोग मिला नहीं, सब भाग गया था। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग पाकुड़ से आए। कहाँ पर आया था आप लोग? पाकुड़ से आए हैं दिशा जन कल्याण केंद्र। व्यवहार बहुत बुरा लगा। जे दलाल दिन के दिन बेड़े चले, যখনই রাস্তাতে কাস্টমার আসছে ঝাড়খণ্ড নম্বর কিংবা বিহার নম্বর নিয়ে পরে, তখন হচ্ছে কোনো আমরা খাজনা পেয়ে গিয়েছি, প্রপার্টি পেয়ে গিয়েছি, ধরে পরে অফার দিচ্ছে যে আপনার ডান্স দেখাঙ্গে 2,000 1,500 পার্কিং ফ্রি, তখন ওরা লিচ চলে যাচ্ছে এসের মধ্যে। একটা বিয়ার খাচ্ছে তো 4 বিয়ার শো করছে। বিয়ারের দাম আছে দোকানে মিনিমাম 200, এর একটা বিয়ারের দাম হচ্ছে 2,000-3,000 ডান দিচ্ছে। যখনই কাস্টমার বিল দিচ্ছে না, তখন কাস্টমারকে মারছে, সোনার চেন টেন কেড়ে নিচ্ছে। কাস্টমার ঘর লোকে ফোন করছে, ফোনপে টাকা না করাচ্ছে, ফোনপে টাকা নিয়ে দিচ্ছে। এটা প্রায় দীর্ঘদিন থেকে ঘটনা চলে আসছে। পুলিশের নজর যখন যাচ্ছে, পুলিশ আসছে তালা মারছে, কেস করছে, ওরা জেল যাচ্ছে, 10-12 পর ঘুরে চলে আসছে, আবার সেখানে সেই হয়ে যাচ্ছে। আর এখানে যাদের ইনকাম করা দরকার, যারা টাকা পাওয়া অধিকার, যে যৌনকর্মী দিদিরা মাসিরা, সে দিদিরাই পয়সা পাচ্ছে না ঠিকমতো, 4-5 পর পয়সা পাচ্ছে। পুরোপুরি অসুবিধার মধ্যে আছে। ডেলিকে ডেলি ঘটনা, 3 পর ঘটনা, 2 পর ঘটনা, রোজকার ঘটনা। আজকে যেমন রাত্রে একটা 1 দোকানে বিল করেছে 80,000 টাকা, তাকে এটা তারা মারা হয়েছে। ফির সকালে দুটো কাস্টমারকে মেরে বোতলে বিয়ার ভেঙে মেরেছে, সে দুটোগুলো পুলিশ এসে তারা মেরেছে। তারা মারছে, পুলিশ নিজের কাজ ঠিক করছে, কিন্তু এটা কোনো রাজনীতির ব্যক্তির উদ্দেশ্যে, রাজনীতির সাপোর্টে এই দোকানগুলো আবার খুলে যাচ্ছে। যে জনকল্যাণ সেটা নষ্ট দিকে আরও যাচ্ছে। এটাকে পুলিশকে আরও, পুলিশের কাছে আমাদের আবেদন, পুলিশের কাছে আমাদের আস্থা আছে, পুলিশ এর ঠিক মতন করে পরে যেন আরও আইনগত পদক্ষেপ করার এ পরে এদের শাস্তির জন্য আরও বেশি করুক, যেন এরা যারা অ্যালার্টমেন্ট, যারা কেস খেয়ে যাবে কিংবা যারা জেলে চলে যাবে, যেন এই দিশার মতো যেন অ্যালার্টমেন্ট না করে, সেটা পড়লে চাপে আসুক না কেন, সে কতটা পড়লে লেখা থাকুক, কিন্তু পুলিশকে নিজের কাজ করতে হবে। পুলিশ যদি নিজের কাজ করতে না পায় তো পুলিশ তখন হাত ছেড়ে দেয়। পুলিশকে শক্ত পদক্ষেপ নিয়ে পরে এই দিশাটাকে, জনপ্রিয়টাকে সুস্থভাবে যেন চলুক, তার করার ব্যবস্থা করতে হবে। পুলিশের সঙ্গে আমাদের আস্থা আছে, পুলিশের সব পাশে আমরাও আছি, যেন এটা ঠিকমতো চলে। যে ঠিক আমরা এখন 1 আগে আমাদের এখানে বোর্ড মিটিং হয়েছিল। বোর্ড মিটিংয়ে নেপাল ফারি বড়োবাবু, কলকাতা আগমন দুর্বার থেকে অফিসের কলকাতা লোক এসেছিলো, লোকাল আমাদের MMIC ইন্দ্রনীতি এসেছিলেন, লোকাল কাউন্সিলর জাকির হোসেন ছিলেন, ডাক্তার শুকিল ছিলেন। আমরা একটা বোর্ডে মিটিং করেছি যে একটা বিয়ের দাম ম্যাক্সিমাম দোকানে প্রাইস রেট কালালিতে 1.5 টাকা, এটা মিনিমাম আপনি 200-300 দিতে পারবেন, কিন্তু 1,000 টাকা করতে পারবেন না। কোনো যখন হোটেল খাবার খাচ্ছি, একটা চিকেন পোকড়া দাম 100 টাকা রেট লেখা থাকে, অমনি আমরা একটা বোর্ড মিটিংয়ে রুল রেগুলেশন পাস করলাম যে প্রত্যেক দোকানে, প্রত্যেক শোরুমে আমরা রেট চার টাঙিয়ে দেবো। যদি ম্যাক্সিমাম যদি বিল নেই, সঠিক বিল নেই, তো ঠিক আছে, আর না নেই তো ওরা দুর্বার থেকে অ্যাকশন নেওয়ার পর পুলিশকে জানানো হবে, পুরো বিলটা কাস্টমার মাফ করা হবে। আগু হয়নি, এটা 1 এপ্রিল থেকে লাগু করবো আমরা। কী নাম আপনার? আমরা রবি ঘোষ, আমি দুর্বারে ফিল করে নিতে চক্র দিছি।